उत्तरी इसराइल बॉर्डर पर लेबनान का हिजबुल्ला इजरायली सेना के ऊपर लगातार बम, गोला बारूद, रॉकेट और मिसाइलें बरसा रहा है। इजरायली सेना इस इलाके में बार बार अपने सैन्य ठिकाने बना रही है, लेकिन हिजबुल्ला अपने हमलों से इन सैन्य ठिकानों को बार बार तबाह कर रहा है। इसके अलावा इजरायली सेना उत्तरी इसराइल बॉर्डर पर बार बार टुकड़ियों में इकट्ठा होने की कोशिश कर रही है, लेकिन हिजबुल्ला आईडीएफ के इन जमावड़ों पर भी हमले कर रहा है। यहां तक कि खुद इजरायली मीडिया इसकी पुष्टि कर चुकी है। हिजबुल्ला के हमलों में आईडीएफ के कई सैनिक घायल भी हुए हैं, और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने 18 अप्रैल 2024 को उत्तरी इसराइल बॉर्डर पर 11 हमलों को अंजाम दिया है। दरअसल आईडीएफ मेतुला में एक सैन्य वाहन को वापस ले जाने की कोशिश कर रही थी कि तभी हिजबुल्ला ने इजरायली सैनिकों पर सीधा हमला कर दिया। इसके बाद अलमलीकिया साइट पर इजरायली सैनिकों पर रॉकेट से सीधा हमला किया गया। हिजबुल्ला का कहना है कि दोपहर 12:30 पर अल मर्ज साइट पर भी उसने इजरायली सैनिकों और उसके वाहनों पर रॉकेटों से हमले किए हैं। इस हमले से पहले हिजबुल्ला ने बेहद ही करीब से पहले इन सैनिकों की निगरानी की और फिर उनके ऊपर सीधा हमला बोल दिया। और इस हमले के करीब 1.5 घंटे के बाद हिजबुल्ला ने हनीता के जंगलों में इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर भी अटैक किया है, और फिर शाम होते होते करीब 5 बजे हिजबुल्ला ने जिब्दीन साइट और कफार चौबा हिल्स में इजरायली सैनिकों पर दनादन गोला बारूद दाग दिया। लेकिन इन हमलों के बीच हिजबुल्ला ने आईडीएफ को सबसे बड़ा झटका उसका ANTEQ-37 आर्टिलरी रेडार को उड़ा कर दिया है। इजराइल का ये रेडार हवाई हमलों और मिसाइलों और आग के स्रोतों को चिन्हित करने के लिए मैरोन बेस पर तैनात था, जिस पर हिजबुल्ला ने ड्रोन या मिसाइल से हमला कर दिया। हिजबुल्ला ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे हिजबुल्ला का ड्रोन सीधे जाकर इस रेडार पर फट जाता है और उसके बाद एक बड़ा धमाका होता है। इसके अलावा हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने इसराइल के अलरामथा सैन्य चौकी, जो कब्जे वाली शिबा फार्म्स में है, वहां पर आईडीएफ के एक जासूसी उपकरण को भी उड़ाया है। आपको बता दें कि इन हमलों से पहले हिजबुल्ला ने ब्रेनेट बैरिक्स में आईडीएफ की 91 ब्रिगेड के कमांड सेंटर पर भी हमला किया था, और इस हमले का वीडियो भी हिजबुल्ला ने जारी कर दिया है। इजरायली मीडिया में हिजबुल्ला के हमलों को लेकर कहा गया कि जब ये हमला हुआ तब इजरायल के बॉर्डर वाले कई सेटलमेंट्स में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे थे। यहां तक कि इजरायली मीडिया ने क्रियत शमोना के युवालिम में ब्लैकआउट होने तक की खबर दी है, और यहां पर बत्ती गुल उस वक्त हुई जब लेबनान की तरफ से रॉकेटों का एक जत्था इस तरफ दागा गया था। वहीं लेबनानी मीडिया का कहना है कि इस रॉकेट हमले में मायान बारूच सेटलमेंट के एक पार्किंग लॉट में आग लग गई थी।